गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, विश्व अहिंसा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जिनका नाम लेना ही अपने आप को गौरवान्वित कर देता है। महात्मा गांधी मतलब एक ऐसी अमूल्य संपदा है जिसे ईश्वर की महान कृपा मान सकते हैं कि ऐसी हस्ती ने जो है भारत भूमि में जन्म लिया। गांधी जी जो है वो पहले भी और आज भी भारत की एक पहचान है। भारत को जो विश्व में जाना जाता है वो गांधी की भूमि के नाम से जाना जाता है। इतना मतलब ये अमूल्य धरोहर हमारे लिए है। और ऐसे शख्स जहां चाहे हमारी सामाजिक परंपराएं हो, आर्थिक सिद्धांत हो, राजनीतिक कोई वाद हो, राजनीति से संबंधित कोई मुद्दे हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जहां गांधीवाद अभी न, जहां गांधीवाद न। बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती है और गांधी जी को जब हम पढ़ते हैं तो उन समस्याओं का समाधान अपने आप ही उनके विचारों से निकलते चले जाते हैं। उन्हें पूजने की जरूरत नहीं है, उन्हें आत्मसात करने की जरूरत है। काहे की जरूरत है? आत्मसात करने की जरूरत है, उनके विचारों को अपनाने की जरूरत है। जो विचार उन्होंने दिए हैं उन्हें अपनाने की जरूरत है। यदि हम उनके एक एक विचार की यदि बात करें, जैसे हम सत्याग्रह की बात करें, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना। अहिंसा, अहिंसा आज जरूरत क्या की है? अहिंसा घर घर में हिंसा हो रही है, पता ही नहीं चलता कब कोई क्या करते, इतने डरे हुए लोग हैं। यदि किसी को बोले कि मेरा 2 लाख रुपए पेमेंट है, आजकल बताते नहीं है लोग, बक ऐसा लगता है पता नहीं कौन लूट ले, है ना, कौन मार दे। तो ये मतलब इतना डर का माहौल बना हुआ है। उसी प्रकार हम उनकी बात करें, सर्वोदय, सर्वोदय ट्रस्टीशिप, ट्रस्टी सिर्फ क्या बोलते हैं हिंदी में इसे, ट्रस्टीशिप, जयंत कुमार ट्रस्टीशिप, न्यासिता का सिद्धांत, न्यासिता का सिद्धांत, ठीक। तो ये सारी चीजें गांधीवादी दर्शन के अंतर्गत आती है। हमें इसमें पढ़ना पड़ता है उनका जीवन, जीवन परिचय, उनका जो राजनीतिक सफर रहा है वो, समाज सुधार से संबंधित जो कार्य किए वो हमें पढ़ना है, भारतीय संविधान में उनका क्या योगदान है वो हमें पढ़ना होता है, समकालीन विचारक जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके विचारों से इनके विचारों में क्या समानता थी, क्या भिन्नता थी, ये सारी चीजें हमें पढ़ना होता है। गांधी जी को जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमारे जो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह मतलब पहले से जो हमें जानकारी है, जो धारणा उनके विषय में है, उसको अलग करके रखना होता है। किसी भी समाज सुधारक को, सामाजिक विचारक को जब हम पढ़ते हैं तो फिर वो जो पूर्वाग्रह होते हैं उसे अलग रख दो, तो फिर हमें उस शख्सियत की वास्तविक काबिलियत और उसके विचारों से हम अभिभूत हो जाते हैं। और यदि हमारे अंदर पूर्वाग्रह है पहले से ही, तो फिर हम कभी भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं पढ़ सकते, कभी हम गांधी जी को पढ़ नहीं सकते यदि हमारे अंदर पूर्वाग्रह है। तो अभी जो भी आपके मन में विचारधारा रही हो उसे अलग कर देंगे और एक तरफ से हम गांधी जी को पढ़ते रहेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु से लेकर आज तक। किसी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां बोली है महापुरुषों के विषय में
कि महापुरुष मरते नहीं दफनाए जाते हैं, महापुरुष मरते नहीं दफनाए जाते हैं, और जब भी इनको देखो हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। तो ये जो महापुरुष होते हैं अपने विचारों से अमर रहते हैं। गांधी जी नहीं है, लेकिन गांधीवाद हमेशा बना हुआ है और बना हुआ रहेगा। आइंस्टीन, नाम तो सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, कौन थे? साइंटिस्ट थे, है ना? ये बोला जाता है दिमाग तो इस वक्त ने सबको लगभग लगभग समान दिया, कितना दिया है? कितना दिया है? मुट्ठी भर मगज, है ना? जितना भी दिया हो, 100 ग्राम, 70 ग्राम, 50 ग्राम, जितना भी दिया हो, उसकी कैपेसिटी काय के ऊपर डिपेंड करती है? यूज करने के ऊपर। दिमाग की जो कैपेसिटी होती है वो यूज करने के ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसे कितना इस्तेमाल करते हैं। जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उतना जो है वो बढ़ते जाता है। और हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी परंपरा है, माँ सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़ते, बिन खर्चे घट जाते, बिन खर्चे घट जाते, एक पुरानी कहावत परंपरा हमारे देश में है। तो ज्ञान की जो परंपरा है उसे बांटने से बढ़ती है और छुपाने से घट जाती है। तो उन लोगों, इसलिए तो मैं वो जो क्या बोलते हैं लाइब्रेरी वालों का थोड़ा तो मुझे डाउट रहता है उनके ऊपर, है ना? इसलिए उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट रहता है मुझे, क्योंकि जब तक हम ये ज्ञान को शेयर नहीं करते हमारा ज्ञान कभी स्थायी नहीं होता, बढ़ता नहीं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी की बात कर रहा था मैं, ऐसा बोला जाता है कि अपने दिमाग का सबसे ज्यादा यदि किसी ने यूज किया है तो वह है अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और उन्होंने गांधी जी के बारे में बोला है, क्या बोला है योगेश? हाँ, शायद दुनिया इस बात पर विश्वास करेगी, शायद ही दुनिया इस बात पर विश्वास करेगी कि ऐसा कोई भी हाड़ मांस का पुतला रहा होगा। इतना शारीरिक रूप से बलिष्ठ नहीं, कोई पहलवान नहीं थे योगेश जैसे, मेरे जैसे इतने बड़े, मतलब ऐसे कोई उनकी पर्सनालिटी इतनी हट्टी कट्टी मोटी ताजी थी क्या? नहीं। कोई सूट बूट कोट पैंट पहन के कोई ऐसा कोई जलसा उनके साथ नहीं रहता था, सादा जीवन, उच्च विचार, कि देख के नहीं लगता था कि ये आदमी गांधी जी है। जिसने उनकी फोटो देखी हो, जो उनको जानता हो, मिला हो, वो बोल रहा है गांधी जी है। और यदि कहीं भीड़ भड़कने में अकेले घूमते रहे, उनकी पहचान छुपा दो, तो उस समय कोई बोल सकते भी क्या? नहीं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है कि शायद ही दुनिया इस बात पर विश्वास करेगी कि कोई ऐसा भी हाड़ मांस का पुतला रहा। उनके समकालीन एक युवा ब्रिगेड के रूप में कौन थे? समकालीन युवा ब्रिगेड, बाबू सुभाष चंद्र बोस, बताया होगा मैंने कभी, नहीं बताया तो अभी बता दिया, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस और इनका थोड़ा सा विचारों को लेकर मतभेद, विचारों को लेकर मतभेद, मनभेद नहीं मतभेद। अब युवा है तो वो तो बोलेंगे कि क्या शांति और अहिंसा, ये मौका देखो चौका देवा। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही थी और सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि यही मौका है, यही मौका है। गांधी जी बोलते थे कि नहीं, यदि हमारा लक्ष्य पवित्र है तो उसको प्राप्त करने वाले साधन भी पवित्र होना चाहिए। लक्ष्य यदि पवित्र है तो उसे प्राप्त करने वाले साधन भी पवित्र होना चाहिए। यदि हमने चोरी, झूठ, मक्कारी
इन सब से कोई अचीवमेंट उपलब्ध कर भी लिया तो वो कभी स्थाई नहीं हो सकता, कभी स्थाई नहीं हो सकता भाई। इसके लिए हमें ये चाहिए। तो फिर भी मनभेद होने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज का गठन किया और भारत को आजादी के लिए पूर्वोत्तर भारत पर हमला किया तो उन्होंने रेडियो से गांधी जी को संबोधित किया था और बोला था कि हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और क्या शब्द संबोधित किया था उन्हें? बापू। क्या बोला था उन्हें? बापू या राष्ट्रपिता। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, बापू कहा जाता है, ये शब्द किसने इस्तेमाल किया? सुभाष चंद्र बोस ने। जब गांधी जी 1915 में 9 जनवरी 1915 क्या हुआ था दिनेश? अफ्रीका से भारत आया। गुड, ताली बजाएं, आपके ज्ञान तो है। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, तब से भारतीय इतिहास में गांधी युग शुरू हो जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को जब वापस आए तो उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये क्वेश्चन भी बनता है, गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और उन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी। काहे की सलाह दी थी? जैसे मैं सलाह देता हूं, गांधी भारत भ्रमण की सलाह दी थी। काहे की? भारत भ्रमण की सलाह दी थी कि भाई जब तुम भारतीय राजनीति भारतीय लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो तो लोगों की समस्याएं तो पता करो कि वास्तव में पब्लिक चाहती क्या है, किन समस्याओं से वो पीड़ित है। तो गुजरात के रहने वाले थे वो, है राजकोट, और वो गए कहाँ? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। और कलकत्ता में क्या था? कलकत्ता में क्या था? अंग्रेजों का सुप्रीम कोर्ट। अच्छी सुप्रीम कोर्ट था, है? ये कलकत्ता गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिलने के लिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या था वहां पे? शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर अमरदीप को बुलाया। अभी जो सेट का पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था? उसकी स्थापना किसने की थी? काय की? शांति निकेतन ने। हाँ, सेट में क्या क्वेश्चन पूछा था? शांति निकेतन के क्वेश्चन। शांति नहीं, मतलब वो पैराग्राफ ही आ गया पूरा गद्यांश आया शांति निकेतन। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ, स्थापना को लेकर। हाँ, तो क्या नाम था? उत्तर क्या था उसका? देवेंद्रनाथ। देवेंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहली जो संकल्पना है शांति निकेतन की वो देवेंद्रनाथ टैगोर की थी। और फिर इन्होंने क्या किया था? उसे विश्वविद्यालय का दर्जा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के माध्यम से उसे क्या मिला? विश्वविद्यालय का दर्जा हो गया था। अच्छा, आधा अधूरा ज्ञान। तो ये बताना चाह रहा था मैं, जब ये वहां गए तो इन्होंने उन्हें गुरुदेव करके संबोधित किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर भाई गुरुजी थे, दूसरों को पढ़ाते थे। तो उन्होंने बोला कि जो दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं मेरे लिए भी वो शिक्षक ही है। उन्होंने क्या बोल के संबोधित किया? गुरुदेव। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा करके संबोधित किया था। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि गांधी जी को बापू किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब वही गुरुदेव किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी। तो जिस शख्सियत के बारे में पढ़ रहे हैं उनको अलग अलग नामों से हमारे देश में जाना जाता है, पूजा जाता है। यदि हम इनका
प्रारंभिक जीवन यदि देखें, प्रारंभिक जीवन तो सबको पता है जन्म कब हुआ था, क्या हुआ था, ये पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं हम यहाँ पे। 1915 में वैद्य जो अपने वैद्य कालिदास से उन्होंने तो महात्मा गांधी को नाम से बुलाया था ऐसा। किस नाम से? बापू। हाँ ठीक है। अब जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 और इनका शहादत मृत्यु कब? 30 जनवरी 1948। कहाँ हुआ था जन्म इनका? पोरबंदर गुजरात, और क्या बोलते हैं काठियावाड़। इस एरिया का नाम, पहले रियासतें होती थी तो उस समय इसे क्या बोलते थे? काठियावाड़ क्षेत्र, काठियावाड़। पिताजी का नाम क्या था इनके? करमचंद उत्तमचंद गांधी, करमचंद उत्तमचंद गांधी। नहीं तो उत्तमचंद पूछ लिया जाए भूल जाए। कौन थे उत्तमचंद? दिनेश मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद उत्तमचंद गांधी। अब बताओ कौन थे उत्तमचंद? सरिता, उनके पिता। तो मोहनदास करमचंद उत्तमचंद, उनके बचपन का नाम था। तो उनका नाम क्या था फिर? नाम क्या था उनका? जी नहीं, करमचंद उनके पिताजी का नाम था और उत्तमचंद उनके दादाजी का नाम था। ठीक है, मोहनदास करमचंद उत्तमचंद गांधी। ये राजकोट के दीवान थे। उत्तमचंद जी जो थे वो राजकोट के दीवान थे, पैतृक व्यवसाय था। करमचंद जी ने भी वही काम किया, राजकोट के दीवान थे। माता जी का नाम पुतलीबाई, माता जी का नाम पुतलीबाई, पुतलीबाई, माता जी का नाम पुतलीबाई। तो ये दंपति, सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? उत्तमचंद और इनके बेटे का नाम करमचंद, करमचंद के साथ में पुतली बाई, ये दंपति। ठीक, और इनसे 4 संतान। कितनी? 4। लक्ष्मीदास, लक्ष्मी दास, दूसरे नंबर पे कृष्णदास, तीसरे मोहनदास और चौथे रोहिला बे। रोहिला बे, रोहिला बेन उनकी सिस्टर। ठीक है, 3 भाई 1 बहन, रोहिला। अब पिताजी दीवान है, राजकोट रियासत के, व्यस्त है, धन संपत्ति के पैसों की इनको कोई कमी नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है इनके ऊपर प्रभाव किसका पड़ा? सीधी सी बात है, पिताजी तो व्यस्त रहते हैं जैसे दुनिया में होता है, माताजी के साथ में बच्चा बड़ा होता है तो प्रभाव उनका ज्यादा पड़ता है। तो इनके ऊपर जो सामाजिक प्रभाव पड़ा, समाजीकरण हुआ इनका, वो माताजी के कारण हुआ। माताजी जिन चीजों पर विश्वास करते थे, जैसे उनकी माताजी उपवास करते थे तो इन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें माताजी का इनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा। लिखेंगे गांधी जी के ऊपर धार्मिक
वह सामाजिक प्रभाव धार्मिक व सामाजिक प्रभाव माता पुतलीबाई का ज्यादा पड़ा, माता पुतलीबाई का ज्यादा पड़ा। क्लियर हो गई बात यहां पे? एक नाम छूटा है ना कोई तो? कस्तूरबाजी, चलो आप रोल दे दे उनको भी, एंट्री करवा दे उनके, है ना, कस्तूरबाजी का। तो जन्म कब हुआ था? 1869 में, 1869 2 अक्टूबर है। अब देखो उस उनके जीवन के समय में बाल विवाह वाली प्रथाएं थी उस समय, तो इनकी सगाई हुई 1876 में, 1876 सगाई हुई इनकी 1876 में, 7 साल के थे तभी सगाई हो गई थी। अर्जुन क्या विचार है यार? अब तो बड़ा हो गया ना मैं। सगाई कस्तूरबा से, कस्तूरबा से। अब कस्तूरबा जी का जन्म यदि देखें तो उनका भी अप्रैल 1869 में ही जन्म हुआ था उनका भी, लेकिन ये गांधी जी से बड़ी थी। डेट मुझे एग्जैक्ट अभी लिखी नहीं है मेरे पास में। व्यापारी गोकुलदास मुकुंद की पुत्री, मुकुंद गोकुलदास मुकुंद की पुत्री 1883 में विवाह, और कितने वर्ष की आयु? 13 वर्ष की आयु। किसकी आयु 13 वर्ष थी, गांधी जी की या कस्तूरबा जी? दोनों की आयु 13 वर्ष, दोनों की आयु 13 वर्ष थे। 1885 पिताजी का स्वर्गवास, पिताजी का स्वर्गवास, और कुछ ही दिनों में माताजी का स्वर्गवास, माताजी का स्वर्गवास। ये वास्तव में बड़ी दुखद घटना होती है, माँ बाप का जो साया है, हाथ है, सिर से ऊपर उठ जाना, और तभी समझ में आता है लोगों को परेशानी क्या। 1887 में राजकोट से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक के बाद क्या होगा? कॉलेज में जाएंगे फिर, है ना? कहां से किया इन्होंने कॉलेज? लंदन से, तो बैरिस्टर भावनगर के कॉलेज से किया है, है ना? भावनगर, गुजरात का जो भावनगर है वहां से। क्या लिखा आपने? 1887 में राजकोट से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए के लिए श्यामल कॉलेज में प्रवेश किया, प्रवेश लिया। ब्रिटेन कब गए थे पढ़ने के लिए? योगेश जी,
पॉइंट्स ऑफ इनकैंटमेंट, नहीं तो हाँ जयंत कुमार आप बता सकते हैं क्या? चार सितंबर अठारह सौ अट्ठासी मुंबई से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए, मुंबई से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए। मुंबई से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए कब? 4 सितंबर 1888। कहां गए थे ये ब्रिटेन? लंदन तो नहीं गए थे, साउथहैम्पटन है ना। ये क्वेश्चन बन जाता है तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। जैसे सरिता ने भी बोला ना लंदन, सबको यही याद है लंदन। कहां गए थे? साउथहैम्पटन। कॉलेज था उनका, कॉलेज का नाम क्या था? कॉलेज का नाम क्या था? कोई बता सकता है? पता होना चाहिए। ऑनलाइन वाले बताए कॉलेज का नाम। 4 सितंबर 1888 गए, 1891 में वहां से वापस आए थे बैरिस्टरी की उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण करके। एनल हेलन कॉलेज, थोड़ा सा उसको देख भी लेना या देखो तो। एनल हेलन कॉलेज, अरे एक हॉस्टल में रुकते थे, हॉस्टल का नाम था विक्टोरिया हॉस्टल, विक्टोरिया हॉस्टल, विक्टोरिया हॉस्टल। बड़ा महत्वपूर्ण है ये, बड़ा महत्वपूर्ण हॉस्टल था विक्टोरिया। क्या है, गांधी जी के ऊपर उनके माता जी का ज्यादा प्रभाव पड़ा था। माता जी जो थी वो उपवास वगैरह करती थी और शाकाहार की बड़ी प्रशंसा, शाकाहारी थे ये। और ब्रिटेन का यूरोपीय ठंडी जलवायु और वहां पे अपने शरीर को गर्म रखने के लिए मांसाहार या वाइन वगैरह पीना अनिवार्य था। जाओगे तो नहीं, नहीं तो सोचेंगे ये तो बड़ी अच्छी चीज है, अनिवार्य है तो अरे किसी प्रकार की कोई रोक टोक भी नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज चलेगा? यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं, चलो ठीक है। यूनिवर्सिटी लंदन थी लेकिन वो कॉलेज तो एनल हेलन कॉलेज। कौन सी हॉस्टल बताया मैंने? विक्टोरिया हॉस्टल। और शाकाहारी क्लब की सदस्यता ली, शाकाहारी क्लब की सदस्यता ली और एक पत्रिका निकाली थी वहां से, पत्रिका और नाम था वेजिटेरियन, वेजिटेरियन पत्रिका में लेख लिखना प्रारंभ कर दिया। कौन सी पत्रिका? वेजिटेरियन, वेजिटेरियन में लेख लिखना प्रारंभ कर दिया। ये सारी चीजें पूछी जाती है, बड़ी दिक्कतें हुई थी उनको वहां पे भोजन के लिए, विशेष रूप से कई बार भूखा रहना पड़ता था उनको। और फिर इन्होंने शाकाहारी क्लब की सदस्यता ली। 1891 ब्रिटेन से भारत वापस आए, ब्रिटेन से भारत वापस आए, राजकोट व मुंबई में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया।
प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। लेकिन वकालत का जो पेशा है उन्हें उतना कुछ रास आया नहीं। जब हम 8th क्लास में पढ़ते थे तब एक बुक होती थी सहायक वचन, है ना, और उसमें पूरा गांधी जी के बारे में लिखा था। उसमें एक क्वेश्चन होता था, गांधी जी ने मनी बाई की फीस वापस क्यों कर दी थी, मनी बाई की फीस वापस क्यों कर दी थी। आज तो कोई वकील फीस वापस नहीं करता, पर एक बार पैसे दिखने को ना, किराए के पैसे भी छीन लेते हैं, किराए के पैसे भी नहीं बचने देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, बोला कि माफ करना मनी भाई, मैं आपका केस लड़ नहीं पाऊंगा, जीत नहीं पाऊंगा, आपकी ये फीस ले लो और अपनी पसंद का दूसरा कोई वकील कर। फीस लेने के बाद इन्होंने उनको ऐसा बोला था। और इनका ये मानना रहा कि अब वकालत वगैरह करते नहीं है, जो अपना पुश्तैनी पेशा है उसी को आगे बढ़ाते रहते। ऐसा कुछ इनके मन में विचार चल रहा था। लेकिन उनके बड़े भाई लक्ष्मीदास, है ना, वो चाहते थे कि कुछ बेहतर करें, कुछ अलग करें, है ना, जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं, कुछ बेहतर करें। और उनको एक ऑफर मिला काय का, दक्षिण अफ्रीका जाने का। और एक है अब्दुल्ला एंड कंपनी, ये नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अब्दुल्ला एंड कंपनी, अब्दुल्ला एंड कंपनी, अब्दुल्ला एंड कंपनी। ये जो कंपनी थी इनका बिजनेस चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, और कुछ पैसे का लेन देन था, और वहां के जो पार्टनर थे वो इनका पैसा कुछ दे नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप यहाँ आओ, मुकदमा लड़ो, और यदि जीत जाओगे सरकार जो बोलेगी उतना मैं तुम्हें हर्जाना या जो भी है वो दे दूंगा। अब अब्दुल्ला एंड कंपनी के मालिक तो वहां रह नहीं सकते थे इतने दिन तक, सालों मुकदमा चलता है। तो बोले कि अब एक काम करता हूँ, कोई वकील कर लेता हूँ मैं, वेतन देते रहेंगे और वही खाएगा पिएगा, वही पड़े रहेंगे, मैं काय हो जाऊँ, है। तो अपना अभिकर्ता के रूप में गांधी जी को बोला, भाई तुम चाहो, यहाँ यदि पसंद नहीं आ रहा तुम चाहे तो दक्षिण अफ्रीका में देख लो, वहाँ चल जाओ, तुम्हें फीस देंगे, बाकायदा रहना खाना ये वो सब कुछ देंगे। गांधी जी शुरुआत में आनाकानी की और फिर वो तैयार हो गए। लिखेंगे इसे अब्दुल्ला एंड कंपनी की ओर से, अब्दुल्ला एंड कंपनी की ओर से केस के सिलसिले में, केस के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए वहां उन्होंने रंग भेद नीति का विरोध करते हुए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। क्लियर हो गया, अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। कहाँ से की इन्होंने, दक्षिण अफ्रीका से। अभी तक कभी सोचा था क्या क्या कि राजनीति में जाएंगे, नहीं, अभी तो वकालत करके आए थे। वो चाहते थे कि मैं अच्छा नामी ग्रामीण वकील बनूं। पहले क्या होता था, वकील जो होता था सबसे अमीर व्यक्ति होता था, है ना, जैसे भारत के बड़े वकीलों में शामिल, जितने भी, जैसे राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं या पंडित मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, ये सब क्या थे, कानून बैरिस्टर बने थे। तो ये सबसे अच्छा व्यवसाय उस समय का माना जाता था, सबसे अधिक कमाई का व्यवसाय जो था वो यही था।
बैरिस्टर, तो उन्होंने भी सोचा था कि मैं वकील बनूंगा और पैसे कमाऊंगा, लेकिन जब परिस्थितियां जब विपरीत हुई तो फिर उनका थोड़ा सा जो है रुख बदल गया। उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं समाज सेवा करूंगा, क्या करूंगा, समाज सेवा। अब क्या है, आदमी को नाम चाहिए, कोई अच्छा बोले, हर व्यक्ति यही तो चाहता है, सब लोग उसे अच्छा बोले और उसके लिए प्रयास करते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं खूब पैसा कमाओ उस कारण मेरी तारीफ करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं पैसे में क्या रखा है, कुछ अच्छा काम कर लो वैसे ही लोग बाग हमें याद करेंगे। लेकिन लोगों का क्या है, याद करना हो तो करेंगे, नहीं करना हो तो नहीं करेंगे। तुम उनके लिए अपनी जान भी निकाल के दे दो ना, वो नमक मिर्च डाल के खा लेंगे उसको, पर याद नहीं करेंगे कि ये है किसका, हम क्या कर रहे करके। तो गांधी जी ने भी सोचा कि अब हम समाज सेवा करेंगे, और उसके लिए उन्होंने शुरुआत कहां से की, दक्षिण अफ्रीका से। हमने पढ़ा कि 1887 में 83 में उनका विवाह हो गया था, और फिर 1888 को कहां चले गए, वो ब्रिटेन चले गए, 1891 में वापस आए, और 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो 1893 में जाएंगे तो 1915 भी वापस आएंगे, बीच में एक दो बार आएंगे वापस वो, लेकिन स्थायी रूप से कब आएंगे, 1915 में। तो इस बीच उनके परिवार की बात कर लेते हैं, तो उनके चार पुत्र थे, जिनमें दो का जन्म भारत में हुआ। तो दो थे हरिलाल और मणिलाल, हरिलाल मणिलाल, ये दो पुत्र, ये बड़े थे और इनका जन्म कहाँ हुआ, भारत में, इनका जन्म भारत में, हरिलाल मणिलाल। और जो दो पुत्र है रामदास और देवदास गांधी, इनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ। क्लियर एकदम, चार पुत्र। एक पांचवा पुत्र भी था जिनके बारे में कल अपन ने पढ़ा था, जमनालाल बजाज। गांधी जी इन्हें अपना पांचवा पुत्र मानते थे, अब हम हरिलाल जी की बात कर लेते, एक एक पुत्र की बात करते हैं हरिलाल जी। वो एक कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, है क्या तो? प्रिया, लोग बाग जमा करते रहते हैं पैसों को, धन को जमा करते रहते हैं, और किसी अच्छे व्यक्ति, शायद तुलसीदास जी ने कहा है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, यदि पूत अच्छा है, सपूत है, मेहनती है, तो उसके लिए धन एकत्रित करने की क्या जरूरत है, ईश्वर ने दो हाथ दिए जितना चाहे उतना वो कमा ले। और पूत यदि कपूत है, योग्य नहीं है, तो उसके लिए कितना भी पैसा कमा के रख दो वो तो उसमें आग लगा देगा, उसे नष्ट कर देगा, तो जमा करने का फायदा क्या है। इसलिए जितना कमाते हैं खर्च करते रहो, बच्चों के ऊपर ज्यादा, उसको अच्छी शिक्षा दो वही बहुत है, ज्यादा पैसा देना ये वो एकत्रित करने की जरूरत नहीं। क्या है, हरिलाल जो है इनका गांधी जी से विवाद था। और विवाद का कारण क्या था कि गांधी जी कहां गए थे, विदेश गए थे पढ़ने के लिए, लंदन गए थे, और वहां से क्या करके आए थे, वकालत करके आए थे। बेटा भी बड़ा हुआ, बोले पापा मैं भी जाऊंगा, कहां विलायत जाऊंगा, विदेश जाऊंगा पढ़ने के लिए। और गांधी जी बोलते हैं कि बेटा अब वो समय नहीं रहा, अब वो समय नहीं रहा, अब तो हमारे यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट है, सब कुछ है, यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, मैं भी तो गया था, क्या हुआ, कुछ नहीं।
इसलिए आप भी अपने स्तर पर यहाँ जो कर सकते हैं वही करें। फिर पहले का जब मैं गया था तब का समय अलग था कि हमारे यहाँ वो पढ़ाई होती ही नहीं थी, अब तो सब कुछ यहाँ होने लग गया। ऐसा उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी, वो उनको बड़ी बेकार लगी। किसको? बेटे को। नाम क्या था? हरिलाल। हरिलाल को बड़ी बेकार लगी। 1911 में उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया, गांधी जी ने नहीं, हरिलाल ग्रह त्याग कर दिया। 1930 में उन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया, नाम रखा अब्दुल्ला। 1930 में मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया, नाम रखा अब्दुल्ला। नाम क्या रखा? अब्दुल्ला। बाद में आर्य समाजी बन गए, बाद में आर्य समाजी बन गए। अब क्या होता है, जैसे धर्म का मामला आता है तो विचलित हो ही जाते थोड़े बहुत। गांधी जी ने बोला कि अब मैं तुम यार अच्छे व्यक्ति नहीं, अब तुम्हें संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। तो उन्होंने बोला होगा जैसे आम आदमी बोलते हैं भाई, इंसान भगवान के घर में इंसान जन्म ले ही लेते हैं, है ना। तो वो जहाँ गांधी जी दिव्य पुरुष थे, मणिलाल जी एक आम इंसान थे, और आम इंसान को क्या चाहिए? धन संपत्ति। वो कोर्ट लेके चले गए ये मामला, भाई ये आपकी संपत्ति नहीं, ये पैतृक संपत्ति, और पैतृक संपत्ति पर बच्चों का पूरा पूरा अधिकार तय करके। देखो सोच कितनी छोटी हो सकती है ना। तो वो कोर्ट लेके चले गए मामला, भाई ये पैतृक संपत्ति है, इस पर हमारा अधिकार है। बात क्लियर हो गई ना। अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हरिलाल जी को, क्योंकि एक ही बात से व्यक्तित्व का दर्पण जो है, जो बातें होती है, जो विचार होते हैं, उसके व्यक्तित्व का दर्पण होती है। किसी के साथ में 5 मिनट बात कर लो, समझ में आ जाता है कि वास्तव में इसकी असलियत क्या है। अब मणिलाल जी की बात करते हैं, उनके दूसरे बेटे मणिलाल। दक्षिण अफ्रीका में ही बस जाइए गांधी जी के साथ में, दक्षिण अफ्रीका में ही बस गए। गांधी जी ने एक पत्रिका निकाली थी दक्षिण अफ्रीका से, देखो वेजिटेरियन पत्रिका कहां से? लंदन से। लंदन से है वहां ये पत्रिका के संपादक नहीं थे, बल्कि इनके लेख उसमें प्रकाशित होते थे। जैसे पत्रिकाओं की एक सूची दी जाए और कहां से निकलते थे, तो वहां थोड़ी सी सही जोड़ी मिलाने में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये दूसरी पत्रिका कौन सी बताई मैंने? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। और ये पत्रिका निकलती थी उनकी कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के बाद में मणिलाल जी ने इस पत्रिका का संपादन कार्य संभाल। दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे। फिर है रामदास, तीसरे नंबर के पुत्र रामदास। गांधी जी को मुखाग्नि दी थी उन्होंने, इनका पुत्र था कानू गांधी, मतलब किसका? गांधी जी का नहीं, ये रामदास जी का। कानू गांधी, गांधी जी के निजी पत्रकार थे ये। और कानू गांधी की पत्नी थी आभा गांधी, आभा गांधी मतलब
इनकी बहू होगी गांधी की, बहू के भी बहू होगी, क्या बोलते हैं, अब आप समझ जाओ, बहू की भी बहू हुई, मतलब गांधी जी की बहू थी। और ये इन्होंने, इन दोनों ने बहुत सेवा की है गांधी जी की, कान्हू गांधी और आभा गांधी, आभा गांधी नाम लिखवाया ना, बहुत सेवा की। गांधी जी इसको अपने स्टिक बोलते थे, वॉकिंग स्टिक बोलते थे, वॉकिंग स्टिक बोला जाता था किसको, आभा गांधी, मतलब आभा गांधी जी जो थी हमेशा गांधी जी के साथ में रहते थे, उनके हर चीज की देखभाल करना ये वो उनका काम था। गोली लगने पर इनके गोद में गांधी जी ने दम तोड़ा, इनकी गोद में गांधी जी ने दम तोड़ा। हर जगह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। हम बात करते हैं चौथे पुत्र देवदास की। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक, हो गया एक ऊपर की पीढ़ी पढ़ ली अपन ने, अब उनके बाद की पीढ़ी का भी हमने एक सार लिख लिया। आपको पढ़ाया था ये पहले गांधी सेक्शन में? आप लोगों ने किसे नहीं पढ़ाई? नहीं कि पढ़ाए वाला ही पहले के नोट से ही तो चलिए, पिछले साल नहीं पढ़ाया मैं, हर साल पढ़ाऊँ तो एक बच्चे को दो बार थोड़ी पढ़ाऊंगा, दो साल के बाद में पहले पता था, जैसे इस साल हमने संविधान इतने अच्छे से पढ़ा है, अब वैसा अगले साल नहीं पढ़ाऊंगा, उसको एक दो साल बाद पढ़ाऊंगा जब आप लोग मुझे छोड़ के चल जाओगे यहाँ से। उसके बाद में कल मैंने एक मैसेज किया था हमारे पुराने स्टूडेंट को, उनका रिप्लाई भी नहीं आया, जवाब भी नहीं आया, तो दो तीन साल बाद पढ़ेंगे फिर। अब हम बात करते हैं गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का सफर, दक्षिण अफ्रीका का सफर। दक्षिण अफ्रीका किस कंपनी से गए थे? अब्दुल्ला एंड कंपनी, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कब गए थे ये तो बता दिया, 1893 में, 1893 किस कंपनी की तरफ से गए थे? अब्दुल्ला एंड कंपनी, अब्दुल्ला एंड कंपनी की तरफ से गए थे। उनका जो भाई था एक लक्ष्मीदास, उसने बोला था कि आप ये काम कर लो, लक्ष्मीदास भाई का नाम था उसके, लक्ष्मीदास जी के मित्र थे और मित्र का नाम था अब्दुल करीम, अब्दुल करीम जावेदी, अब्दुल करीम जावेदी ये लक्ष्मीदास जी के मित्र थे। इन्होंने इनको बोला होगा तो उन्होंने बोला कि भाई किसी को काय को भेजे, मेरा भाई तो है, वकालत करके आया है, अपन चाहे तो उसी को भेज देते हैं, उन्होंने ऐसा बोला। और 40,000 पाउंड का मामला, 40,000 पाउंड का मामला था, 40,000 पाउंड का मामला था, मतलब इतने का गड़बड़ी हुई थी उस कंपनी के साथ में,
और अब्दुल्ला एंड कंपनी, इसके मालिक का भी नाम लिख लेते हैं अपन अभी जरूरत पड़ गई तो। उस कंपनी के मालिक का नाम था सैयद हाजी खान, सैयद हाजी खान ये कंपनी के मालिक थे। कंपनी का नाम था अब्दुल्ला एंड कंपनी और उसके मालिक वर्तमान में कौन थे? सैयद हाजी खान। और कितने रुपए की उनके हिसाब से कितने की गड़बड़ी हुई थी? 40,000 पाउंड की गड़बड़ी थी और ये उनको पैसे वसूल करना था। अब शर्तें गांधी जी ऐसे ही नहीं चले गए, उन्होंने भी कुछ शर्तें रखी थी, कितना वेतन दोगे क्या करोगे, तो शर्तें रखी थी। प्रथम श्रेणी का टिकट आने जाने के लिए, जब भी आना जाना होगा तो प्रथम श्रेणी का टिकट 105 पाउंड मासिक वेतन, 105 पाउंड मासिक वेतन, 105 पाउंड मासिक वेतन, एक वर्ष के करार के लिए गए थे। एक वर्ष के अंदर ये मामला निपटाना है, एक वर्ष के करार पे गए और केस जीत भी गए, केस जीत भी गए। और कहां रहते थे वहां पर? ये दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में, नटाल प्रांत में, नटाल प्रांत में। अब देखो वहां की एक घटना देखते हैं, घटना। अब इनको जाना था डरबन, डरबन पे उतरे ये बंदर, बॉम्बे से गए ये, है ना, काय से गए, पानी के जहाज से, बैलगाड़ी से नहीं, पानी के जहाज से गए थे, है ना, पानी के जहाज से। अब बंदरगाह डरबन, तो डरबन पे उतरे और डरबन से उनको कहां जाना था? प्रिटोरिया। कहां जाना था? प्रिटोरिया, ये बड़े शहर है दक्षिण अफ्रीका के, डरबन और प्रिटोरिया। डरबन से प्रिटोरिया जाना था और उनका टिकट कौन सा? प्रथम श्रेणी का था, प्रथम श्रेणी का टिकट था। अब जब टिकट है तो आदमी क्यों सोचे, बढ़िया गए और पहले दर्जे के डब्बे जो उनका टिकट था वहां जाके बैठ गए। और एक स्टेशन आता है मिलिट्सबर्ग, 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 यहां पर गांधी जी बैठे हैं, अपने चादर वगैरह बिछा दी, लेटे हुए हैं, पत्रिका पढ़ रहे हैं, ठीक। अब उनको क्या पता कि ऐसा कोई हादसा हो जाएगा, क्या हुआ दीपांशु जी? नहीं पता, अभी थोड़ी देर में पता हो जाएगा, लेकिन समानुभूति रखोगे तो ये सोचोगे कि मैं तो एक लेक्चर दे रहा हूँ तो भूल जाओगे, तो याद नहीं होता। हमें ये याद रखना पड़ता है कि उस समय हम होते तो हमें कैसा लगता, क्या होता। तो परदेश में वहाँ कोई अपना नहीं है और सही है, हम सही है, फिर भी दोषी कौन है? हम ही। तो उन्होंने वो अंग्रेज चढ़े वहां पे ट्रेन में, ट्रेन में चढ़ गए, उनके पास टिकट था या नहीं था ये भी नहीं पता, चढ़े और बोले ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश में बोल रहे होंगे, लेकिन ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तो उन्होंने बोले कि मेरे पास टिकट है, ये देखो टिकट है, इसी सीट का है। बोले वो सब ठीक है लेकिन तुम लोगों को अलाउ नहीं, इस सीट पे बैठना तुम लोगों के लिए अलाउ नहीं है, जैसे शनि मंदिर में महिलाओं के लिए जाना अलाउ नहीं है, सबरीमाला मंदिर केरल का महिलाओं के लिए जाना अलाउ नहीं है। तो इस तरीके से जो है तुम बोले कि तुम्हें इस प्रथम दर्जे के सीट पे बैठना अलाउ नहीं है, तुम पैसे दे के टिकट खरीद सकते हो लेकिन सामाजिक मान्यता के अनुसार तुम्हें यहाँ बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अब तुम बदल लो, अपनी जगह बदल लो,
तुम सेकंड क्लास डिब्बे में या तीसरे दर्जे के डब्बे में जाके कहीं उधर लटक जा, जगह देख लो कहीं पर, या नहीं बैठने देते। अब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बहस हुई उनकी, हल्की फुल्की बहस हुई और बात नहीं बनी। यह 1894 की घटना, 1894 मिनट्स पर स्टेशन का नाम याद रखना, मिनट्स पर। और अंग्रेजों ने उनके साथ बदसलूकी की, फिर उनको धक्का देकर गाड़ी से नीचे उतार दिया और स्टेशन पर उसका सामान फेंक दिया। और गांधी जी को ऐसा लगा कि यार कितनी बड़ी घटना है, ये तो कुछ भी नहीं, हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, अस्पृश्यता, हमारे देश में क्या होता है, और हम खुद इस समस्या का हिस्सा है, और आज मेरे साथ हुआ है, और हमारे देश में तो 50% आबादी के साथ में हर दिन ऐसा होता है, ना उनको पानी पीने दिया जा रहा है, ना कुछ ना कुछ, तो कितना बुरा लगता होगा। तो ये है विचारों का परिवर्तन। जब हमारे साथ कोई घटना घटती है तो हमें एक सीख मिलती है, और फिर जब हमें वो तकलीफ को महसूस करते हैं तो एक समझदार व्यक्ति होता है, वो चाहता है कि अरे ऐसी तकलीफ मैं अब किसी को नहीं दूंगा, ऐसी तकलीफ मैं किसी को नहीं दूंगा। और यही घटना एक उनके विचारों में बड़ा परिवर्तन लेके आ गई, और उन्होंने बोला कि ये नस्ल भेद के कारण हो रहा है, और अब मैं जब अपने देश वापस लौटूंगा तो मैं इसी समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करूंगा, इसी समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करूंगा। लिखेंगे, विचार परिवर्तन हुए, नस्ल भेद के खिलाफ उन्होंने काम करना शुरू किया, और दक्षिण अफ्रीका में इसके खिलाफ के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, आवाज उठाई, और पहला संगठन उन्होंने वहां पे बनाया, नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस, और इसकी स्थापना की 1894 में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला संगठन, पहला संगठन कौन सा, नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस। इसमें जो भी सदस्य शामिल होता था उसे सदस्यता शुल्क देना होता था 5 शिलिंग मासिक, शिलिंग वहां की मुद्रा थी, 5 शिलिंग मासिक या फिर 3 पाउंड वार्षिक, 3 पाउंड वार्षिक। होता क्या था, ऐसा संगठन इसलिए बनाया क्योंकि बहुत से भारतीय लोग वहां काम करते थे। अंग्रेज जब भारत आते थे तो उनका उपनिवेश दक्षिण अफ्रीका में भी था, चाइना में भी था, तो अंग्रेजों को जहां जहां मजदूरों की जरूरत पड़ती थी वो यहां से मजदूरों को लेकर चले जाते थे। और हमारे यहाँ गरीबी इतनी थी कि कोई भी जाके जाने के लिए तैयार हो जाता था, भाई जहाँ 2 पैसे मिलेंगे वही कमाएंगे और खाएंगे, ऐसा कोई स्थायी तो था नहीं, इतनी ऐसी मजबूत बिल्डिंगें तो थी नहीं, कोई 50 साल बाद भी जाएंगे तो घर है हमारा, ऐसा कुछ था क्या उस समय, नहीं, कच्चे पक्के मकान होते थे, हर 2-3 साल में उसका नवीनीकरण करना होता था, तो भाई ऐसा कुछ स्थायी था नहीं, तो वो जहाँ पैसा मिलता था वहीं चले जाते थे, तो वो वहाँ चले गए। शुरुआत में उनको अच्छी मजदूरी दी जाने लगी और फिर इस तरीके का भेदभाव उनके साथ में। अब गांधी जी ने देखा कि यार इतने सारे भारतीय हैं
और कैसा जीवन, पशु जैसा जीवन जी रहे हैं। इनके साथ में तो बहुत भेदभाव हो रहा है ना, वोट देने का अधिकार है ना, कुछ ना कुछ। तो फिर उन्होंने बोला कि हम आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लेकिन हम एक संगठन बनाते हैं और संगठन चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो भाई जो भी इसका सदस्य बनेगा उसको कुछ एक नॉमिनल एक शुल्क देना पड़ेगा। तो जो वहाँ की मुद्रा थी सेलिंग, उसमें 5 सेलिंग मासिक हो सकता है, उसकी जो वैल्यू थी वो कम रही होगी, इसलिए 5 सेलिंग देना पड़ रहा है। और पाउंड जो है, जैसे अभी डॉलर महंगा है, तो वैसे उस समय पाउंड महत्वपूर्ण मुद्रा थी, ब्रिटेन की पूरी दुनिया पे राज करती थी पाउंड जो मुद्रा थी। तो वो कितनी, 3 पाउंड बस उसका शुल्क कितना था, 3 पाउंड वार्षिक। और विरोध कर रहे थे गिरमिटिया पद्धति का, विरोध करते थे ये गिर मिटिया, गिर मिटिया पद्धति। कविता बताएंगे गिर मिटिया पद्धति क्या होता है, गिर मिटिया पद्धति। नाम ही पहली बार सुना, एक बार और बोल दो, दूसरी बार भी सुन लो, एक बार और बोल देता हूँ, तीसरी बार भी सुन लोगे, गिर मिटिया पद्धति। योगेश को पता है, तो पास होता है मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए। देखो क्या है कि जब जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते ना, तो वो शब्द को बदल देते हैं, शब्द को बदल देते हैं। अब अनहोनी एक नाम है, अनहोनी, अनहोनी है कहां पर है, ये तामिया के आसपास, जब तामिया से हम पचमढ़ी जाते हैं तो उधर एक जगह है, तो वहां से क्या है कुछ गर्म पानी निकलता है, कुंड बने हुए हैं गर्म पानी के, कुंड गर्म पानी के, तो बहुत ही गर्म एसिड जैसा पानी निकलता है उसमें, 2-3 कुंड में मटकुली के पास में, ठीक है। तो वहां पर क्या है, जैसे चर्म रोग वगैरह हो ये हो, तो वहां लोग बाग नहाते हैं, और नाम क्या रखा है उसका, अनहोनी। अब हमारे गांव में बोलते हैं अमोनी समोनी, क्या बोलते हैं अमोनी समोनी जा रहे हैं। अरे मैं वहां से घूम के आ चुका था, अब हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम यकीन करते हैं जो लिखा है वही है। बोले उधर गया था तो अमोनी समोनी चल जाना था, मैं बोला नहीं गया मैं, क्या होता है वहां पे, बोले गर्म पानी निकलता, बोले तो वहाँ बीमारी दूर हो जाती है वो। मैं बोला वहां तो गया था मैं, पर उसका नाम अमोनी समोनी नहीं है, क्या है अनुपति लिखा हुआ है वहां पे, ठीक। एक दैवीय स्थल के रूप में उसे नाम दे दिया है, जबकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ वहां पर होगा। अब एग्रीमेंट, ये शब्द गिर मीडिया कैसे बना है, एग्रीमेंट से, एग्रीमेंट क्या है कि जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं 5 साल के लिए जा रहे हैं, 10 साल के लिए जा रहे हैं, तो एक एग्रीमेंट साइन करना होता था, एग्रीमेंट साइन करना होता था। अब वो एग्रीमेंट ब्रिटिश जो कंपनी रहती थी वो अपने पास में रख लेती थी साइन करवा के, और वो देती नहीं थी। फिर दक्षिण अफ्रीका से आदमी आएगा कैसे वापस, है ना, उनका एग्रीमेंट रहेगा, उनके कुछ दस्तावेज रहेंगे कुछ, तब तो वापस आए, नहीं तो वो वापस नहीं आते थे। तो एग्रीमेंट को धीरे धीरे ए हट गया, उसका अग्रीमेंट हो गया, क्या हो गया अग्रीमेंट। भाई लोकल भाषा में बिहारी लोग उसको अलग तरीके से बोलेंगे, आसाम के अलग बोलेंगे, महाराष्ट्र के अलग बोलेंगे, एमपी के अलग बोलेंगे, ये इंग्लिश शब्द था तो सब अपने अपने तरीके से बोलने लगे उसे। तो ये अग्रीमेंट, फिर अरे वो एग्रीमेंट को गिरमिट, फिर सब लोग एक साथ में है, वो गिरमिटिया नहीं दिख रहा मेरा है गिरमिटिया, और धीरे धीरे क्या बन गया वो एग्रीमेंट को, क्या बना बोलने लग गए लोग बात गिरमिटिया पद्धति। बात समझ में आ गई, ये एग्रीमेंट से बना हुआ है गिरमिटिया पद्धति। तो गिरमिटिया पद्धति मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट अर्थात 5 वर्ष के लिए मजदूरों से कर लिया जाता था। अब क्या था,
अब ये मजदूर जो थे वह मजदूर बन के गए थे, पैसा कमाते हैं लोग बाग, जैसे मंडी भी चल जाते हैं अपने यहाँ से लोग बाग, और कहाँ जाते हैं, पीतमपुर जाते हैं, हमारे इधर के लोग अक्सर पीतमपुर जाते हैं और एक जोड़ी अच्छे कपड़े सिलवाते हैं और दो ही दिन रुकते हैं हमारे यहाँ आके, तीन दिन रुके तो फिर उनको किराया भी देना पड़ता है वापस जाने के लिए, मतलब इतने ही पैसे कमाते हैं बेचारे लोग पीतमपुर में जाके, है ना। लेकिन कुछ लोग बड़े समझदार हो जाते हैं तो वो वहीं पे क्या प्लॉट वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, स्थाई करने लग जाते हैं कि अब हम तो यहीं रहेंगे। अब दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी जो है वो जब भारतीय लोग वहाँ जम गए, संपत्ति खरीदने लग गए, छोटे मोटे ठेके लेने लग गए, तो इनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने बोला कि भाई जब हमारे एग्रीमेंट में तो टैक्स का कोई प्रावधान ही नहीं है, भाई आप के यहाँ हम काम कर रहे हैं, आप हमें मजदूरी दे रहे हो, बात उतनी खत्म हो गई, अब आप ये टैक्स काय का ले रहे हो। भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो यही था, क्या लिखा आपने, एग्रीमेंट 5 वर्ष के लिए करार था ये, लेकिन बाद में 3 पाउंड वार्षिक कर लिया जाने लगा, 3 पाउंड वार्षिक कर लिया जाने लगा, जिसका भारतीयों द्वारा विरोध किया जाने लगा, विरोध किया जाने लगा। और 1897 में, 1897 में गिरमिटिया पद्धति समाप्त कर दी गई, गिरमिटिया पद्धति समाप्त कर दी गई, गिरमिटिया पद्धति समाप्त कर दी गई। एक है ग्रीन पंपलेट, ये भी ये गिरमिटिया पद्धति समझ में आ गई। अब एक बात करते हैं ग्रीन पंपलेट, ग्रीन पंपलेट हरा पर्चा से, हरा पर्चा। अब ये घटना कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था, भारतीयों को पता ही नहीं था, मजदूर थे बेचारे, उनकी आवाज कैसे पहुंचेगी यहाँ तक। तो गांधी जी ने ये सोचा कि मैं अपने देशवासियों को भी तो बताऊं कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार होता है करके। तो हरा पर्चा ये जहाज में लिखा था, जब वो वापस आ रहे थे 1896 में, तब उन्होंने जहाज में लिखा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले व्यवहार को, दुर्व्यवहार को, व्यवहार नहीं बोलेंगे, दुर्व्यवहार को भारतीय लोगों के सामने रखने के लिए जहाज पे लिखा। राजकोट में छपवाया, और लोगों में बंटवाया, लोगों में बंटवाया, ठीक। अब यही क्वेश्चन बन जाता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में, ठीक। कितने साल के करार पे गए थे, 1 साल के करार पे गए थे, 1 साल के लिए गए थे ना वो, और केस खत्म भी हो गया। लेकिन वही नटाल इंडियन कांग्रेस स्थापना कर ली थी, तो उसके कारण वो वहां के लोगों को हक दिलाने के लिए रुक गए, गिरमिटिया पद्धति का विरोध करने के लिए वहां पर रुक गए। अब जब गांधी जी को लगा कि गिरमिटिया पद्धति अब समाप्त तो होने वाली है, तो वो वापस आने लगे, कब, 1896 में, हाँ 1896 में। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनके मन में चढ़ रहा था कि भारतीयों के साथ में कितना दुर्व्यवहार होता है, खुद उनके साथ में हुआ था, तो उन्होंने उन सबको एक कागज पे लिखा
और जब राजकोट पहुंचे 1896 में भारत पहुंचे तो उन्होंने पर्चा छपवाया और लोगों में बंटवाया। तो 1893 में गए और 1896 में वापस आ गए, वापस आ गए, 3 साल के लिए गए थे पहली बार। अब 1899 से 1902 की घटना पढ़ते हैं, बोर युद्ध। ये ग्रीन पंपलेट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम बात करेंगे बोर युद्ध। बोर युद्ध, बोर युद्ध, और ये चला है 1899 से 1902 के बीच, 1899 से 1902 के बीच में। और दो पार्टियां थी इसमें, एक तरफ थे डच और दूसरी तरफ कौन थे, अंग्रेज। एक तरफ डच और दूसरी तरफ अंग्रेज। और इस विवाद का मुद्दा था ट्रांसवाल क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का 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 ट्रांसवाल क्षेत्र काय के लिए प्रसिद्ध है, सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध है। और इस पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों और डचों के बीच में प्रतिद्वंदिता हो गई। अंग्रेज चाहते थे कि हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे, हम लूटेंगे इसे, और डच चाहते थे कि हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे, हम इसको लूटेंगे। गांधी जी अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय इसका सहयोग करें और नटाल इंडियन कांग्रेस इसका सहयोग करे, और नटाल इंडियन कांग्रेस के लीडर कौन थे, गांधी। तो गांधी जी ने सहयोग किया किसका, अंग्रेजों का। नटाल इंडियन कांग्रेस के माध्यम से गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया, गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया। गांधी जी ने अपने अपने 99 साथियों के साथ घायलों की व्यवस्था के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की, एम्बुलेंस सेवा शुरू की। अंग्रेज इसमें विजयी हुए, बोर युद्ध में अंग्रेज इसमें विजयी हुए, अंग्रेज इसमें विजयी हुए, और गांधी जी को बोर पदक से सम्मानित किया, बोर पदक से सम्मानित किया। अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 1896 में तो गांधी जी भारत आ गए थे, लेकिन जब बोर युद्ध हुआ, बोर युद्ध कब से कब तक, 1899 से 1902 तक, तो गांधी जी जाना नहीं चाहते थे वहां पे, वो तो ये सोच के आए थे कि अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ इंडिया वापस। लेकिन इन्होंने जो वहाँ पे नटाल इंडियन कांग्रेस और ये वो किया था, तो अंग्रेजों को लगा कि नहीं यार यहाँ पर हमें गांधी जी की जरूरत पड़ेगी, तो अंग्रेजों ने इन्हें वापस बुला लिया 1901 में। तो जो 1896 में वापस आए थे 1901 में गांधी जी पुनः दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब गए थे 1901। ये पॉइंट भी नोट करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, कल हम पार्ट बी पढ़ेंगे और उसमें हम गांधी जी के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे कि उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है देश की स्वतंत्रता के लिए, उसमें गांधी जी की क्या भूमिका थी।
तो सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।